क्या खाए थे बेटा तुम, कैसे हो गया तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह? और क्या खिलाए थे? कुछ नहीं खिलाए थे? और लड्डू पूड़ी के अलावा कुछ? अभी जांच की गई है, उसके सैंपल भी ले गए हैं और फूड विभाग को जो खाद्य विभाग है जो इसकी जांच कर रहे हैं, सैंपल अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही जांच में सामने आएगा कि किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है बच्चों को, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जो स्व सहायता समूह है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तो किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज तो की नहीं गई मैम? FIR का मामला नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। बच्चों की वो चल रही है, जाँच चल रही है। बच्चे अभी स्वस्थ भी हो गए हैं और जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे बाकी बच्चों को भी रिलीज कर देंगे। यही पढ़री के पास एक स्कूल है, उसमें करीब 58 बच्चे जो ये खाना मिलता है, सब्जी पूड़ी और लड्डू, खाने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास उल्टी स्टार्ट हो गई थी उनको। अब पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का केस था। 58 बच्चे एडमिट किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ा सा दिक्कत थी, ज़्यादा उल्टी बंद नहीं हो रही थी। सबका ट्रीटमेंट किया जा चुका है, एक बच्ची थोड़ी सी लग रही थी सीरियस, उसको भेज दिया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए और 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इनको। 6 बजे तक में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जिसकी जैसी कंडीशन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।